देख रहे हैं मेरे इस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हंगामा, यशवंत सिन्हा ने किया वापस लौटने से इनकार। शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर बोला बड़ा हमला। पीएम मोदी की पत्नी जशोदा बेन से मिलने एयरपोर्ट पर दौड़ पड़ी सीएम ममता बनर्जी। उद्धव ठाकरे की वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हंगामा, यशवंत सिन्हा ने किया वापस लौटने से इनकार। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उस वक्त हंगामा मच गया जब बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद वापस लौटने से इनकार कर दिया। श्रीनगर पहुंचे कंसर्न सिटीजन ग्रुप के सदस्य को सुरक्षा बलों द्वारा एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया। शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर बोला बड़ा हमला। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो जेल जा चुके हैं उन्हें शरद पवार की उपलब्धियों के बारे में सवाल नहीं उठाना चाहिए। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को 2010 में सीबीआई ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया था। पीएम मोदी की पत्नी जशोदा बेन से मिलने एयरपोर्ट पर दौड़ पड़ी सीएम ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री मोदी की दूर विरोधी आलोचक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को उनकी पत्नी जशोदा बेन से कोलकाता एयरपोर्ट पर मुलाकात की। यह अचानक में हुई मुलाकात थी। उद्धव ठाकरे ने की वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को वीर सावरकर को लेकर बड़ा बयान दिया। ठाकरे ने कहा कि वीर सावरकर अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान का जन्म नहीं होता। इसके साथ ही ठाकरे ने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। अब फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।